हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में नजर नहीं आ रहा लॉकडाउन का असर। राशन लेने उमड़े लोग, जो घर से निकले उनको पड़े डंडे, बाइकों की निकाली हवा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का असर जोधपुर में नजर नहीं आ रहा है। अधिकांश सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं, लेकिन सोमवार को कुछ इलाकों में राशन लेने लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस के कुछ स्थानों पर घर से निकालने पर युवकों पर डंडे भी बरसाए तो बाइकों की हवा निकाल दी, दर्जनों वाहनों के चालान किए गए। पुलिस का कहना है कि लोग दूध, फल, सब्जी खरीदने जैसे कार्यों के लिए भी बाइक का उपयोग कर रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण घोषित लॉकडाउन में जिले में निजी वाहनों के आवागमन पर पूर्ण पाबंदी लागू है। जब्त वाहनों से थाने व कंट्रोल रूम फुल लॉकडाउन के बावजूद शहर में अनेक व्यक्ति वाहन लेकर निकल रहे हैं। इनके रोकथाम के लिए पुलिस ने सख्त रवैया अपनाकर एमवी एक्ट के चालान और जब्त करना शुरू कर दिया था। सर बताएं, राशन की दुकान पर राशन दे रहे हैं? राशन की दुकान पे अप्रैल माह का बिना पैसे के गेहूँ दिया जा रहा है, सभी को बिना पैसे गेहूँ दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से सुविधा दी गई है, उसका उपयोग हो रहा है। पर सर कई जने यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उनके राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन नहीं चल रहा, वो हमारे पास जो चालू है उनको हम दे रहे हैं। कितने मेंबर पे क्या? 5 किलो प्रति आदमी से दिया जा रहा है, राजस्थान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, बिना पैसे के दिया जा रहा है। हम यहाँ नागौरी गेट चौराहे है जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। ये सरकारी उपभोक्ता की दुकान है, तो सरकार इनको फ्री में गेहूँ दे रही है, जो हर महीने देती है उनके हिसाब से। अब ये इनको गेहूँ दे रहे हैं तो लोग आ रहे हैं, बावजूद हटा रहे हैं, लेकिन लोग ये भीड़ वापस स्टैंड दूरी बढ़ा रहे हैं। इनको क्या भाई, दूर रहो, मुँह ढके रखो, मास्क मत लगाओ। तो ये लोग हैं समझा रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत समझ नहीं रहे। सेवा वाले दुकानदार, कर्मचारी पुलिस की ओर से जारी परमिट वाले वाहन को लेकर निकल सकते हैं। ऐसे वाहनों को छोड़ने का अधिकार सिर्फ न्यायिक अधिकारी को ही है। जोधपुर की रिपोर्ट, जागरूक टीवी।